गांधी तो ये तो चोरी का ही है सर ने नोबडी कैन बीट देम मोदी राहुल को दम ही नहीं है और आंख मारता है पार्लियामेंट में और कुछ नहीं है राहुल गांधी सोनिया गांधी कोई बिजनेस या धंधा नहीं उनका मेरे पास आठों तो नंबर पे उनके पे इतनी प्रॉपर्टी और इतने पैसे कहां से आए इनके पास कहां से आए ये जवाब मैं पूछना चाहता हूं उनसे हिंदुस्तान पूरे की चौथे नंबर की पैसे वाली ये सोनिया गांधी इतने पैसे उनके पास कहां से आए कहां से आए नहीं बिजनेस को धंधा वगैरह इतनी कहां से आए पैसे वाली क्या प्रूफ हुआ काला धन कहाँ गया जो लिस्ट बनाई थी काला धन कहाँ लाई वो काला धन सरकार कहाँ लाई उनका जवाब दीजिए काला धन वाले आए रामदेव बाबा का काला धन लेंगे वो कहाँ गया और मालिया और ये कहाँ गए ये बीजेपी सरकार में दौड़े इनका कहना है कि प्रॉपर्टी दौड़े रुपए तो आपने दिए थे कौन सी प्रॉपर्टी सोनिया गांधी वर्ल्ड की चौथे नंबर की पैसे वाली है एक बात है एक बात नहीं है मोदी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारा मोदी जी को आशीर्वाद है आपका खूब खूब है माता रानी भटानी जी का खूब खूब उनको आशीर्वाद है उनको हमारे औरतों के लिए बहुत सुविधा अच्छी की है ठीक है ना भैया राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बारे में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें 2019 में कौन मोदी अगेन मोदी मोदी नोबडी कैन बीट देम मोदी अच्छा हाँ लेकिन राहुल गांधी और इनका भी महागठबंधन बना हुआ है राहुल गांधी बन रहे हैं पीएम ये तो चोर थे ना वो डर के मारे गठबंधन बनाया कि आपको हमको सबको लूट मार देगा ये अच्छा। इसीलिए गठबंधन बनाया बाकी कोई नहीं है मोदी गांधी नहीं बनेंगे पीएम बिल्कुल नेवर कभी इन लाइफ कभी अपनी जिंदगी में नहीं बनेगा वो तो क्यों नहीं बन सकते है नहीं उसमें एबिलिटी भी नहीं है वो तो जो भाषण भी देता है वो किसी का पढ़ाया हुआ देता है उसमें इतनी एबिलिटी भी नहीं है नहीं है एबिलिटी नहीं उसने क्या किया उसका पॉलिटिकल करियर का क्या कुछ वो ब्लॉक मेंबर ही बना बस बिकॉज ऑफ द गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी इस फैमिली नहीं बिकॉज ऑफ द फैमिली आप पार्टी का नहीं कह सकते उसको फैमिली का कह सकते हैं वो क्योंकि गांधी फैमिली जो सरनेम लिया है ना किसी के चोर के उसकी वजह से बाकी कोई वो पॉलिटिशियन नहीं है सरनेम उनका चोरी का है बिल्कुल चोरी का है सरनेम बिल्कुल चोरी का है रियल गांधी नहीं रियल गांधी तो एक ही था अब एडोप्ट किया फिरोज गांधी को वो तो क्रिश्चियन तो पारसी था तो वो तो होना चाहिए जो फिरोज पीछे जो भी टोपी वाला डिब्बा वाला जो भी लगाना चाहिए तो उनका वो होना चाहिए ना गांधी का ये गांधी तो ये तो चोरी का ही है सरनेम मायावती जी नहीं बन रहे वो कभी भी नहीं बनेगी मायावती ये तो चोर है मायावती अखिलेश ये सब चोर इकट्ठे हुए ममता अभी क्या कर रही है जो नाटक कर रही है ना मोदी के डर से ही कर रही है सब मोदी के डर से इकट्ठे हुए हैं सीबीआई को जांच नहीं करने दे रहे बिल्कुल नहीं करने दे रहे अब सीबीआई को अरेस्ट कर लिया इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा जो पॉलिटिशियन सीएम कहती है कि मैंने इतने साल किया है टीएमसी की मैं बड़ी नेता हूं उसने सीबीआई को अरेस्ट कर दिया इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा 2019 में कौन सर मोदी राहुल नहीं क्यों नहीं राहुल को दम ही नहीं है दम नहीं और आंख मारता है पार्लियामेंट में और कुछ नहीं है पार्लियामेंट में आग मारता और कुछ नहीं करता कुछ नहीं और पीढ़ी चल रहा है मोदी को मुकाबले लेकिन विपक्ष तो कह रहा है मोदी जा रहे हैं ना जाएगा नहीं मोदी नहीं जाएगा सब सारी पार्टी एक साथ मिल गई भले हो जाओ नहीं जाएंगे नहीं मोदी नहीं जाएगा और कोई नहीं राहुल कभी नहीं ना राहुल कोई दम नहीं है तो बंसावली से चल रहा है मायावती जी ना मोदी के मुकाबले कोई नहीं है देखो ऐसा है कि कहने से तो कुछ नहीं होता जो करना है वो मोदी ने करना है बाकी कोई कुछ नहीं कर पाए मोदी जिसको करना है मोदी राहुल गांधी नहीं क्योंकि मोदी होगा देश बचेगा नहीं तो देश जाएगा 70 साल इन्होंने खाया कांग्रेस वाले ने राहुल गांधी मोदी ने 5 साल में कुछ नहीं किया नोटबंदी की जीएसटी लगाई उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ और मोदी कह रहे हैं कोई तीन स्टेट में आ चुका है पार्लियामेंट में आंखें मारने के साथ की बात कुछ नहीं है और भी आएगी कुछ नहीं है बंसाली से नहीं चलता देश नेहरू जी से लगा के राहुल से कहा के अब वाडर आ जाएगा फिर प्रियंका क्या है ये प्रियंका जीतेगी वहाँ पे ये राजतंत्र थोड़ी है प्रजातंत्र है प्रधान मोदी जैसे आदमी चाहिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बारे में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल अपना इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए